अच्छा, तुम डॉक्टर माथुर की सुपुत्री हो। तुम इतनी सी थी जब तुम्हें देखा था, लेकिन तुम मुझे कैसे पहचानोगी? तुम्हारे पिता से हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। डैडी घर पे नहीं है, इंतजार करना है तो बैठिए। अरे गिरधारी भैया, आप, एक जमाना हो गया आपसे मिले। चलो पहचान तो लिया तुमने, तुम्हारी बेटी तो समझी कोई मरीज डॉक्टर से मिलने आया। रत्ना, ये अरुण के ताऊजी हैं, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते। चिरंजीव रहो बेटी। बैठिए बड़े भैया। शायद छुट्टी पर आए हैं आप? नहीं नहीं, अब तो नौकरी से रिटायर हो गया हूँ, गांव लौट रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। और फिर अरुण को देखे भी तो कर्सा हो गया है। बड़ा योग्य लड़का है अरुण, MBBS में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। माथुर बाबू, वो जो कुछ भी बना है तुम्हारे ही कारण बना है। बिना माँ बाप के लड़के को तुमने जिस प्यार से पाला पोसा है और पढ़ाया लिखाया है, कोई अपनी औलाद के लिए भी उतना कुछ नहीं करेगा। लेकिन अरुण ये बातें कहाँ मानता है? क्या नहीं मानता वो? कुछ नहीं, बच्चों के आपस में लगी रहती है।
कल रत्ना की सालगिरह थी और अरुण नाई ड्यूटी की वजह से शामिल नहीं हो सका, इसलिए तब से बिगड़ी बैठी है। अरे हाँ, आप ठहरे कहाँ हैं? तुम्हारी भाभी मतलब कि अरुण की ताई भी साथ हैं, इसीलिए साले साहब के यहाँ ठहर गया हूँ। अरुण तो उनका घर जानता है, उसके आते ही कह देना हमसे मिल ले। हाँ हाँ, मैं अरुण से कह दूंगा, बल्कि मैं अभी उसे फोन कर देता हूँ, ड्यूटी खत्म होती है वो आपसे मिल लेगा। रत्ना बेटी जाओ, बड़े भैया के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। मैं डॉक्टर अरुण को फौरन खबर किए देती हूँ। ये खोपड़ी देख रहे हो ना, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, इसे संभाल जाओ। जब तुम्हारी सेकंड ईयर की पढ़ाई खत्म हो जाए तो मुझे वापस कर दो। लेकिन मिस्टर केदार, इसके कहानी क्या है? इस खोपड़ी की मालकिन एक मगरूर हसीना थी। भगवान ने रूप रंग ऐसा दिया था कि राह चलते लोग दिल थाम के रह जाते। ये तुझे कैसे मालूम? क्या तुम उसे जानते थे? नहीं मैं नहीं, लेकिन इसका पंजर मैंने जिससे खरीदा है वो जानता था। कोई गांव की लड़की थी, किसी के इश्क में फंसकर शहर भाग गई। फिर क्या हुआ? होना क्या था, शहर आकर उसे हैजा हो गया और वो झटपट मर गई इसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में। फिर उसके प्रेमी ने उसकी लाश को हड्डियों के एक व्यापारी के पास भेज दिया और उस व्यापारी से ये पंजर मैंने खरीद लिया। खूब, बहुत खूब, मोहब्बत इसको कहते हैं। ये दो सुराख देख रहे हो ना, यहाँ कभी दो खूबसूरत आंखें थी, वो आंखें जिन्हें देख उसका प्रेमी कहा करता, तेरी आंखों में मोहब्बत का जहां बसता है। यहाँ कभी मुस्कुराते हुए होंठ थे, वो होंठ जिनके मुतालिक वो कहा करता, नाजुकी तेरे लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की। बहुत अच्छा। हाय हाय, अब कहां है वो हुस्न। देखो ना, ये सब नाज़नीनें अपने हुस्न के गुरूर में किस तरह मटक मटक कर चली जा रही है। हकीकत में हम सब अंदर से स्केलेटन यानी पंजर ही तो हैं, फर्क सिर्फ इतना है किसी पंजर पर मक्खन सी चिकनी और मुलायम कोटिंग है और किसी पंजर पर गेंडे जैसी मोटी खाल चढ़ी हुई है, जैसे कि मुझ पर। अरे बाप रे, मारे गए, तुम लोग कैंटीन में चलो, मैं भी आता हूँ। ऐसे सर्विस मैडम, ऐसे सर्विस। क्यों इन जूनियर स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर रहे हो तुम? क्या कह रही हो तुम? मैं तो उन्हें फिलॉसफी समझा रहा था। फिलॉसफी? हाँ, जिंदगी और हुस्न की फिलॉसफी। अच्छा, तुम अपनी फिलॉसफी अपने तक ही रहने दो। और ये बताओ, अरुण को कहीं देखा है? उसके घर से फोन आया था, उसके अंकल उससे मिलने आए हुए हैं। यू मीन डॉक्टर अरुण कुमार, दैट टॉल हैंडसम स्केलेटन? वो तो शायद आज आउटडोर ड्यूटी पर है, वैसे आज चेकअप हो गया। सुनो, हाँ, मेरी ड्यूटी आज रात को सर्जिकल वार्ड में है। तो बंदा भी चौकीदारी के लिए हाजिर रहेगा। मिस्टर केदार, आप कॉलेज यूनियन के सेक्रेटरी बने बैठे हैं, एक बार का फैसला तो कीजिए। अजी, फैसला करने ही के लिए तो मैं यहाँ हूँ, फरमाइए क्या मामला है? आज फिर कविता कपूर को एक प्रेम पत्र मिला, लेकिन इस बार ना तो उसकी किताब से निकला और ना ही पोस्ट से आया, बल्कि कोई मंचला सीधा आके उसके पल्लू से ही बांध गया। कविता कपूर? यानी वो खूबसूरत पंजर जो फिफ्थ ईयर में पढ़ती है, लंबी सी मगरूर सी मशहूर बैरिस्टर हरिमोहन कपूर की बेटी अनीता, माउंट प्लेजेंट रोड, टेलीफोन नंबर 727। माय गॉड, तुम तो लड़कियों के डायरेक्टर बने बैठे हो। ओह, शी इज सच अ नाइस गर्ल, ऐसी लड़की को तो प्रेम पत्र मिलना ही चाहिए। आप कहते हैं मिलने ही चाहिए, और वो गुस्से में जली भुनी कॉमन रूम में बैठी है, क्लास तक अटेंड करने नहीं गई, कहती है प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। ऐसी बात है, मैं अभी जाके उसे देखता हूं। नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके अरुण को खबर दो, कविता को मैं समझा दूंगी। जो हुकुम देवी जी। मैंने सुना है तुझे फिर किसी ने चिट्ठी लिखी है। हाँ। और ये भी सुना है कि तू प्रिंसिपल साहब के पास जा रही थी शिकायत करने। उससे मैं ऐसा ख्याल आ गया था, तू कुछ भी कह सुमित्रा, कि लड़के हद से बाहर हो रहे हैं, पर सभी तो एक जैसे नहीं होते। मेरे लिए सभी हैं। अब छोड़ भी, तू तो जानती है प्रिंसिपल साहब इन मामलों में कितने सख्त हैं, बदतमीजी को माफ करना तो जानते ही नहीं, अगर कहीं तू शिकायत कर देती तो न जाने क्या एक्शन ले बैठते हो।
खैर इस दफे छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार चुप नहीं रहूंगी, सीधी प्रिंसिपल के पास जाऊंगी। अच्छा अच्छा, अगली बार की अगली बार देखी जाएगी। चल तुझे कैंटीन में चलकर ठंडा पानी पिलाऊं, जिससे तेरा दिमाग तो तेरा ठंडा हो। सुमित्रा, केदार जी को ये बताना मत भूलना कि आज रात तुम्हारी ड्यूटी किस वार्ड में है। थैंक यू मिस पीटीआई, खबर दे दी गई है। अरुण, अरुण, क्या बात है केदार? मेरा बात सुनो। अच्छा रो केदार, मैं पहले बच्चों को एग्जामिन कर लूँ, बहुत रो रहा है। भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, अब बात यह है तुम्हारे घर से फोन आया था, इलाहाबाद से तुम्हारे अंकल तुमसे मिलने आए। अच्छा हाँ, क्या तकलीफ है? गले में दर्द है। अच्छा मुंह खोलो और खोलो और, मुझे शर्म आती है। अरे डॉक्टर से शर्म करोगी तो बीमारी कैसे दूर होगी? चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, जवान निकालो, आ करो। दो दवाइयां लिख देता हूँ, एक गरारे के लिए और दूसरे पीने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सरकारी वजीफे पर विलायत जाने के लिए तुम्हारा नाम चुना गया है। सच? सच डॉक्टर? इसमें हैरानगी की क्या बात है, यू डिजर्व इट यंग मैन। मैं अभी अभी प्रिंसिपल साहब के कमरे से आ रहा हूँ, वही बता रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। केदार, केदार, क्या बात है? एक जरा ठहरो, एक बड़ी अच्छी खबर है। I'm very sorry. Oh! रहने दीजिए, मैं खुद उठा लूंगी। अरे कविता जरा देख के चला कर। मैं तो देख रही थी, लेकिन इन लड़कों की आंखें बिल्कुल खराब है। नहीं नहीं, इस बेचारे की नजर तो काफी तेज है। कौन था ये शरीफ आदमी? अरे तू नहीं जानती, यही तो है वो मशहूर डॉक्टर अरुण कुमार, कॉलेज का फर्स्ट क्लास फर्स्ट, इस साल हाउस सर्जन बन गया है। यही तो है वो फेमस कविता कपूर, कॉलेज की हीरोइन। लेकिन बंधु, मक्खी गिरी भी तो शहद पर। मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, आज प्रिंसिपल साहब ने इतनी अच्छी खबर सुनाई कि उसके नशे में अंधा होकर टकरा गया। भाई ऐसी क्या खबर सुनाई जो आपको नशा आ गया? केदार, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर विलायत पढ़ने के लिए मेरा नाम चुना गया। रियली कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बधाई हो बंधु, अब पार्टी कब हो रही है? अभी तो नाम ही चुना गया, स्कॉलरशिप तो मिल जाने दो। क्या बात है बेटा? आशीर्वाद दीजिए चाचा जी, स्कॉलरशिप पर विलायत जाने के लिए मेरा नाम चुना गया। अच्छा, ब्रावो यंग मैन, कंग्रेचुलेशन। तुम्हारी इतने दिनों की इच्छा पूरी हो गई। देखो अरुण, तुम्हारे ताऊ जी इलाहाबाद से आए थे, फोन मिल गया था तुम्हें? जी हाँ, ड्यूटी के बाद मैं सीधा वहीं चला गया था, ये खबर मैं उन्हें भी सुना आया हूँ। बहुत अच्छा किया, मैं रत्ना को बुलाता हूँ, जरा वो भी सुन। नहीं चाचा जी, रहने दीजिए, वो आगे मुझसे खफा है, पहले मैं उसे मना लूँ, नहीं तो फौरन कह देगी कि विलायत जाओ या जन्नू में, मुझे क्या। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। रत्ना, आप उस्ताद अलियास खान से शहनाई सुनिए। रत्ना, रत्ना, प्रेम पत्र कैसे लिखें? ओ तो ये पढ़ाई हो रही है। मैं कुछ भी पढ़ूं, तुम्हें क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या है, तीन चार किताबें और खरीद दूं? कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो कल का गुस्सा अभी तक नहीं गया? मैं तो एक अच्छी खबर सुनाने आया था। अच्छी बुरी सब खबरें मैंने अखबार में पढ़ ली। ये अखबार की खबर नहीं है, मैंने रेडियो भी सुन लिया। तू नहीं सुनना चाहती तो मत सुन, मैं जाता हूँ। देखो मुझे तू तो करके मत पुकारा करो, भूलो मत मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। वाह, अभी कल तक तो मैं तुम्हें गुब्बारे, खट्टी मीठी गोलियाँ और टॉफियाँ ला के दिया करता था, और तेरी नाक पहुँच पहुँच कर मैंने अपने कई रुमाल खराब किए होंगे, और अब आपको आप कहना होगा। रत्ना, तुम तो रोने लगी। देखो रत्ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कल रात अस्पताल में सीरियस ऑपरेशन था, इसलिए मैं पार्टी पे आ ना सका। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में मैं जानबूझकर शामिल न हूँ,
ये तुमने सोचा ही कैसे? अच्छा बाबा, कसूर मेरा, माफ कर दो, माफ कर दो ना। देखो रत्ना, मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया तोहफा लाया हूं। अरे बाबा देख भी तो लो, क्यों पसंद नहीं आया? हाँ, पसंद आया। सुनाओ, क्या अच्छी खबर सुनाने आए थे? मालूम है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर मैं विलायत पढ़ने जा रहा हूँ। सच? मैं अभी ये खबर डैडी को सुनाती हूँ। अरे मैं तो उन्हें सुना आया हूँ। तुम तो मुझे किसी काम का मौका नहीं देते हो। एक दिन शायद मेरा दिल फट जाए। अरे नहीं, क्या एक लड़की की डायरी पढ़ना कहाँ की शराफत है? लड़की की डायरी? मैं तो समझा था कि मेरी डायरी है, हूबहू मेरी हैंड राइटिंग है, बल्कि मैं तो सोचा था कि ये मैंने कब लिखा। और अब क्या समझे? मैं ये समझाऊं कि तुम मेरी लिखाई की नकल कर सकती हो। सिर्फ लिखाई की नहीं, तुम्हारे दस्तखत की भी नकल कर सकती हूँ। देखना, एक दिन तुम्हारे चेकबुक पर साइन करके तुम्हारे बैंक में से सब कुछ निकाल लूंगी। लेकिन पछताओगी, मेरे चेक कभी कैश नहीं होंगे। हेलो, कौन? हेलो सुमित्रा, क्या बात है? तेरी जगह मुझे नाइट ड्यूटी देनी पड़ेगी। किस वार्ड में? ओ, सर्जिकल वार्ड, शाम 7 बजे से। लेकिन तुझे हुआ क्या? सुबह तक तो अच्छी भली थी। वो पूछ रही है कि मुझे हुआ क्या है, अब मुझे क्या बताऊं? उसे बोल दो कि मुझे जुकाम हो गया है, जोरों का बुखार आ रहा है। मुझे जुकाम हो गया है, जोरों का बुखार आ रहा है। आंखें जल रही हैं, सर फटा जा रहा है। आंखें जल रही हैं, सर फटा जा रहा है। दो दो कंबल ओढ़ के लेटी हूँ। दो दो कंबल ओढ़ के लेटी हूँ। थैंक यू। तुम्हारे पास खड़ा कोई बोल रहा है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं कविता। किसका फोन था बेटी? सुमित्रा का। अचानक आज रात हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लग गई है। आज तो कोई बात नहीं, लेकिन कल रात ड्यूटी मत लेना। कल क्या है माँ? अरे भूल गई तू? जस्टिस भंडारी का लड़का सुभाष विलायसी इंजीनियर बनकर आया है, हम सब लोग उनके घर पे खाने जाएंगे। देखो माँ, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं। जहाँ कोई लड़का विलायसी पढ़कर आता है, तुम मुझे नुमाइश के लिए ले जाती हो। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे पगले, हमारी पसंद का लड़का नहीं चाहिए तो अपनी पसंद बोल। रहने भी दो माँ, ऐसे क्या जल्दी है, पहले मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लूँ। लेकिन तुम्हें पूरा पता है ना कि अरुण की ड्यूटी आज रात की है? देवी जी, मैं अपनी आंखों से नोटिस बोर्ड पर उसका नाम पढ़ के आया हूँ। मगर मुझे एक बात से डर लगता है। डर कैसा? अरुण और कविता दोनों ही गंभीर किस्म के लोग हैं, कहीं मिलाप की जगह फसाद ना हो जाए। क्या बेबियों जैसी बात करती हो? उस दिन जब सीढ़ियों में उनकी टक्कर हुई थी तो सारी गंभीरता धरी रह गई थी, अरुण गैस के गुब्बारे की तरह ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। ये तुम जानो, मैंने तो अपना काम कर दिया। घबराओ नहीं देवी जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ। कमा नर्स, मरीज को बहुत तकलीफ हो रही है, इसे एक एट्रोफिन दे दो। नहीं, डॉक्टर वर्मा कह गई है इस पेशेंट को आज कोई दवा नहीं दी जाए, कल उसको ऑपरेशन होना है। लेकिन इसे तो बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, मैं हेल्थ सर्जन से पूछ कर आती हूँ। देखिए 5 नंबर बेड के पेशेंट की। मुझे पता, मैं भी उसे देख के आया सुमित्रा। जी मैं सुमित्रा नहीं हूँ। आप? लेकिन ड्यूटी तो सुमित्रा की है ना? अचानक वो आज बीमार पड़ गई। बीमार? मैंने तो उसे आज शाम कैंटीन में आइसक्रीम खाते हुए देखा। देखिए पेशेंट दर्द के मारे बहुत छटपटा रहा है। अच्छा चलिए, मैं उसे फिर से देख लेता हूँ। मिस्टर बोर, जल्दी से जाकर डॉक्टर वर्मा को फोन कर दीजिए, इस मरीज का ऑपरेशन आज रात को ही हो जाना चाहिए। यस सर। नर्स, एट्रोफिन का इंजेक्शन दे दो। यस डॉक्टर। Oh.
डॉक्टर साहब मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो भी ठीक हो जाता, मैं सर राय देता हूँ, तुम सोने की कोशिश करो। डॉक्टर वर्मा घर पर नहीं है और ये भी कहा है पता नहीं कब लौटेंगे। तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, ऑपरेशन तो फौरन ही होना चाहिए। नर्स इंजेक्शन दे दी। यस डॉक्टर। अच्छा तुम मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, मैं भी आता हूँ। यस डॉक्टर। यू प्लीज हेल्प हर। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। आप क्यों तकलीफ करती हैं? सवेर का वक्त है, मैं टहलते हुए चला जाऊंगा। रात भर के थके हुए हैं, जल्दी घर पहुंचकर आराम कीजिएगा। ये भी अच्छा ख्याल है। लड़के भी कुछ कम नहीं, आए दिन इसे गुमनाम प्रेम पत्र लिखते रहते हैं। अभी उस दिन भी इसे एक ऐसा ही पत्र मिला तो प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने की धमकी देने लगी। लेकिन तू इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? मेरी दीदी की क्लास वाले जो है होगी। चल मिला दो इससे मेरी बला से। हेलो माँ। हेलो। तुम्हारी फ्रेंड मुझे देखकर बड़ी मतलब भरी हंसी हंस रही थी, क्या बात है? उसी से पूछ लिया होता। दो अखियां झुकी झुकी सी, 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 कलियों से नाजुक होठों पर कविता रुकी रुकी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी। शर्माती पलकों में सपने जब आँख मिचोली खेले, शर्माती पलकों में सपने जब आँख मिचोली खेले, लहराती जुल्फे मुखड़े को साए में जब ले ले।
एक खुशबू उड़ी उड़ी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी, कलियों से नाजुक होठों पर कविता रुकी रुकी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी। लागे अपनी अपनी और दूजे पल बेगानी, एक पल लागे अपनी अपनी और दूजे पल बेगानी, कुछ अनजानी सी सूरत है कुछ जानी पहचानी, पास आकर छुपी छुपी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी, हसरत दबी दबी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी, कलियों से नाजुक होठों पर कविता रुकी रुकी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी, दो अखियां झुकी झुकी सी। कल रात जूनियर हाउस सर्जन ने दो ऑपरेशन किए, एक अपेंडिसाइटिस का, दूसरा दिल का। पहले की हालत तो बेहतर है, लेकिन दिल के बीमार की हालत खतरनाक है। अल्लाह रहम करे, बड़ा नाजुक दिल है बेचारी का। स्टॉप प्रेस, ताजा खबर यह है कि दिल के ऑपरेशन वाली लड़की का दिल हमेशा के लिए खो गया। जिसकी खबर पढ़ रहे हो वो आ रही है। और इसके नोटिस बोर्ड पर इस तरह का बेहुदा पोस्टर लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई? कल आप लोग डॉक्टर बनेंगे। डू यू नो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, उसकी जिम्मेवारी क्या होती है? एक बेटी जो बात अपने बाप से नहीं कह सकती वो डॉक्टर से कह देती है। एक पत्नी जो राज अपने पति से छुपा लेती है डॉक्टर के सामने जाहिर कर देती है। अगर आप लोगों का यही चाल चलन है तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप किसी दुखी की सेवा करेंगे, किसी के दर्द की दवा कर सके। जहां तक मेरा तजुर्बा है, एक डॉक्टर के पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि एक रोशन दिमाग और साफ सुथरा दिल भी होना चाहिए। अगर आप लोगों के ऐसे विचार हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपनी तालीम से दुश्मनी कर रहे हैं, अपने माँ बाप की दौलत बर्बाद कर रहे हैं। आप बच्चे नहीं हैं। मेरे ख्याल से इस बात सिर्फ इशारा काफी है, कॉलेज में फिर ऐसी हरकत ना हो। इंतजार सर्कल है और मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे पढ़ा था ना। अच्छा, लाओ किताब। कौन सा चैप्टर पढ़ रही हो? कैटलेटिक एजेंट। कैटलेटिक एजेंट, अरे वो तो बहुत आसान है। अच्छा तो सुनो, कैटलिटिक एजेंट का फंक्शन क्या है? माना ये ए है और ये बी, ये कितने ही पास पास क्यों ना रहे, ये आपस में कभी मिल नहीं सकते। और अगर कैटलिटिक एजेंट की एक बूंद इन पर गिरा दी जाए तो ये ऐसे एक हो जाएंगे जैसे कभी दो थे ही नहीं। अरे देख क्या रही हो, किताब तो यहाँ है। अच्छा
क्या इंसान की जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरा मतलब है, दो आदमी पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो, अच्छी तरह जानकर भी एक दूसरे को समझते ना हो, क्या वो भी कभी एक हो सकते हैं? हो क्यों नहीं सकते, लेकिन इस मामले में कैटलिटिक एजेंट का काम कुदरत करती है। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, ये बातें समझने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं। हाँ हाँ, मैं तो दूध पीती बच्ची हूँ, मैं तो कुछ समझती नहीं, और तुम सब समझते हो, मैं कहती हूँ तुम खाक समझते हो। अच्छा बाबा, मैं खाक समझता हूँ, लो थोड़ी पढ़ाई करो। तो मैं नहीं पढ़ती तुमसे, अपने आप डॉक्टर कहलाते हो, तुम सिर्फ मुर्दों के डॉक्टर हो, मुर्दे का दिल चीर पाड़ कर बता सकते हो किस रोग से मरा, जिंदा आदमी के दिल की तुम्हें कोई पहचान नहीं। रत्ना, आजकल तुम्हें हो क्या गया? चले जाओ यहाँ से। अच्छा मैं जाता हूँ, जब दिमाग ठिकाने आ जाए तो मुझे बुला लेना। बेटी तुम रो क्यों रही हो? अरुण कहाँ गया? डैडी, अगर तुम्हें बस जरा सी दर्दी तो अरुण को घर से निकाल दो। हाँ अभी निकाल देता हूँ, लेकिन उसका कसूर क्या है? वो बात बात से नहीं अपमान करता। क्या कह रही हो बेटी, वो बेचारा तुमसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता है? नहीं डैडी नहीं, वो सिर्फ एक डॉक्टर और कुछ नहीं। डॉक्टर तो मैं भी हूँ, क्या मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? डैडी तुम भी कुछ नहीं समझते। आपने मुझे बुलवाया चाचा जी? हाँ, जरा दरवाजा बंद कर लो। कई दिनों से मैं रत्ना के बदलते हुए बर्ताव को देख रहा हूं, तुमने भी कुछ नोट किया? मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। बेमां की लड़की को मैंने जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करके पाला है, इसलिए वो जरा जिद्दी सी हो गई है। क्यों, रत्ना ने क्या किया? आई थिंक शी इज मैडली इन लव विथ यू, वो तुम्हें प्रेम करती है। चाचा जी आप कह क्या रहे हैं? अरुण, मैं तुम्हें अपने बेटे ही की तरह मानता हूं, तुम्हें भी रत्ना से बहुत स्नेह है और तुम उसकी भलाई चाहते हो। लेकिन चाचा जी, रत्ना तो मेरी गोद में खेल खेल कर बड़ी हुई है, मैंने हमेशा उसे एक बड़े भाई की आंखों से देखा है, मेरी कोई छोटी बहन नहीं, और अगर होती भी तो शायद मैं उसे रत्ना से ज्यादा स्नेह न कर पाता। लेकिन अरुण, इतना समझ लो कि इस उम्र की लड़कियां किसी बेल की तरह जो भी पेड़ सामने आए उसी के सहारे ऊपर उठना चाहती हैं, और तुम्हें तो एक बहुत ही बड़ा पेड़ मानती है। चाचा जी मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे ये नहीं मालूम था कि इस जन्म में आपकी कोई बात भी टाल सकूंगा, लेकिन मैं आपके पांव छूकर ये कह सकता हूँ। ठीक है अरुण, ठीक, ऐसी बात किसी पर जबरदस्ती लादी नहीं जा सकती, सिर्फ रत्ना की चिंता ही सता रही है मुझे, इस तरह का सदमा। आप इस बात की चिंता ना कीजिए, मैं इस मामले को अच्छी तरह सुलझा लूंगा। अरे जा क्यों रही हो, कुछ पूछना था? मैंने पूछे जवाब मिल गया। जवाब मिल गए? हाँ, एक नहीं दो दो, एक काने सुना दूसरा आंखों ने देखा।
कविता के नाम एक और प्रेम पत्र। कौन जाने किसी रिश्तेदार का खत हो। खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा सूंघ कर। हैंड राइटिंग तो जाना पहचाना मालूम होता है। खोल कर देख लो, शायद दिखने वाला भी जाना पहचाना हो। भाई पढ़ लेने में क्या हर्ज है, कविता तो यहाँ है नहीं, उसके आने से पहले ही वापस रख देंगे। हाँ चलो अंदर से चलो। जल्दी पर चले जाए। ओ माय गॉड, क्या हुआ? किसका है? डॉक्टर अरुण का। डॉक्टर अरुण कुमार। क्या लिखा है जल्दी पर? लिखा है मेरे वीरान जीवन की पहली बहार। लो एक अच्छा खासा डॉक्टर काम से गया। ये चिट्ठी स्याही से नहीं बल्कि खून से लिख रहा हूँ। तू जरूर ऑपरेशन रूम में बैठ के लिखी होगी। सुनो कविता, मेरे सपनों की रानी, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे किन नजरों से देखती हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा उस नजर से देखा है जिस नजर से रोमियो जूलियट को, फरहाद शीरी को और रांझा हीर को देखा। क्या वैसे और उन जैसे कल्चर आदमी से ऐसी भाषा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अरे प्रेम में पढ़कर सभी की भाषा एक जैसी हो जाती है। आज ये प्रेम पत्र है, कोई प्रार्थना पत्र नहीं जो लिख देता। हे कुमारी कविता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके मेरी अर्जी मंजूर कर लीजिए। कविता रुक क्यों गई, अंदर जाओ। माफ करना कविता, तुम्हारी इजाजत के बगैर ही तुम्हारी चिट्ठी पढ़ डाली। कैसी चिट्ठी? जैसे तुम्हें अक्सर आती है, यानी प्रेम पत्र। लेकिन अब के बार लिखने वाले का स्टैंडर्ड जरा ऊंचा है, मेरा मतलब डिग्री होल्डर डॉक्टर अरुण कुमार। लो भाई तुम्हारी दौलत है, तुम भी संभालो। चलो चलो, अब तो बेचारी अकेले में बैठ कर सांस रोक रोक कर पड़ेगी। याद है कविता, उस दिन तुमने कहा था कि अगली बार प्रेम पत्र आने पे मैं चुप नहीं रहूंगी। लेकिन देख भाई, इस बार भूलकर भी प्रिंसिपल से शिकायत न कर बैठना। करेगी भी कैसे, लिखने वाला कोई मामूली आदमी है, कॉलेज का फर्स्ट क्लास फर्स्ट डॉक्टर अरुण कुमार। कविता प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में हैं। यकीन नहीं होता, अगर अरुण ऐसा लेटर लिख सकता है तो और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम जानती हो मिस कपूर, पिछले 6 साल में अरुण जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने नहीं देखा। मैं कम इन सर। कम इन। मॉर्निंग सर। हेलो मिस कपूर। तुम इन्हें जानते हो? जी हाँ। ये तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत लेकर आई है। मेरे खिलाफ? हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लेटर तुमने लिखा है। मुझे यकीन हो गया है ये लेटर तुम्ही ने लिखा है। जब आप यकीन ही हो गया तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा लेटर लिखने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई। अच्छा तुम जा सकते हो। मेरी गलती है, मैंने अरुण जैसे लड़के को स्कॉलरशिप के लिए चुना। प्लीज रीड इट हियर। यो मुर्गा फंसा है, और ऑर्डर मत करो, सबको फोकट में खिलाता हूँ। क्यों जनाब, हमारी पार्टी का क्या हुआ? दावत का? दावत? कैसी दावत? कैसी दावत? सीधी तरह से दावत करो, नहीं तो सबको बोलता हूँ भाइयों
आपको सुनकर खुशी होगी कि फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए डॉक्टर अरुण कुमार का नाम चुना गया है। एक प्लेट समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक भी भाई। हाँ तो अरुण साहब, आज की दावत का खर्चा आया है सिर्फ 30 रुपया और साहब 3 रुपए मेरी टिप के हुए हैं, सिर्फ 33 रुपीज। सलाम डॉक्टर साहब, लेटर ऑफिस में भेजा है। हुर्रा, स्कॉलरशिप की मंजूरी होगी। तुम लेटर पढ़ो, मैं हिसाब चुका क्या अरुण, क्या बात है केदार? अरुण को क्या हुआ? बेचारे का वजीफा कैंसिल हो गया। सुनिए, अभी अभी अरुण को प्रिंसिपल साहब का खत मिला है, उन्होंने उसका वजीफा कैंसिल कर दिया। देख तो, तूने तो जरा सी बात पर प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, लेकिन उस बेचारे का कितना नुकसान हो गया। ताज्जुब की बात, मिस कपूर मुझे अच्छी तरह जानती है, फिर भी उन्होंने ये कैसे विश्वास कर लिया कि मैं उन्हें इस तरह की चिट्ठी लिख सकता हूँ। तुमने नहीं लिखी, फिर वो चिट्ठी किसने लिखी है? उसका नाम मैं किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी या उसके खानदान की जरा सी भी बदनामी हो। नाम ना बताते, लेकिन प्रिंसिपल साहब से इतना तो बोल देते कि वो चिट्ठी तुमने नहीं लिखी है। प्रिंसिपल साहब भी तो मुझे कई सालों से जानते हैं, और उन्होंने भी मिस कविता की शिकायत एकदम सच मान ली, और मुझे मुझे अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। फिर अब क्या करने गिरा है? मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं घर जा रहा हूं। अरुण, कहीं जा रहे हो? हाँ, गांव जा रहा हूँ। गांव? बात क्या है? कुछ नहीं, यहाँ रहकर करूंगी क्या, विलायत जाने के लिए मेरा वजीफा तो नामंजूर हो गया। वजीफा कैंसिल हो गया? ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, गलती तो मेरी ही थी, दोष भी किसे दी। लेकिन हुआ क्या? कॉलेज के एक स्टूडेंट कविता कपूर को प्रेम पत्र लिख बैठा, याद तो नहीं आता क्यों लिखा, कब लिखा, शायद सपने में लिख दिया, और लिखावट मेरी जैसे ही थी। खैर, मेरी गाड़ी का वक्त हो गया, चाचा जी आए तो कह देना ताऊ जी के पास गांव जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम है, अफसोस है जाते वक्त तुमसे मिल ना सका। सफर पर जाने वाले थे, पीछे से पुकारा नहीं करते रखने। ये क्या, तुम अचानक कैसे चले आए हो? सब ठीक ठाक है ना? माथुर बाबू अच्छे हैं? जी अच्छे हैं। चलिए अंदर चलिए, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। नमस्ते। नमस्ते। आपसे जान पहचान तो नहीं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मेरा नाम रत्ना है, मैं अरुण के घर से आई हूँ, बैठिए। मैं आपसे एक बात की माफी मांगने आई हूँ, मैं समझी नहीं थी। आपको अरुण ने एक पत्र लिखा था। आपको कैसे पता है? दरअसल वो पत्र मैंने लिखा था, अरुण ने नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? लिखाई तो डॉक्टर अरुण की ही थी, बचपन से हमारा साथ रहा, मैं उनकी लिखाई की पूरी नकल कर सकती हूँ। लेकिन लेकिन इस तरह का पत्र आपने लिखा क्यों?
मेरा बचपना था, मैंने सोचा शायद इस तरह अरुण और आप में अनबन हो जाए। इससे आपको क्या फायदा होता? भगवान के लिए ये बात मुझसे मत पूछिए, बस मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी, जिसकी सजा भी मुझे मिल गई। मैं नहीं जानती थी छोटी सी बात पर बढ़ते यहाँ तक जा पहुँचेगी। जानती है कल अरुण हमारा घर छोड़ के चला गया। चले गए कहाँ? अपने ताजी गया रशीदपुर। कविता, अचानक इस वक्त कैसे आना हुआ? सुमी, मुझे पता चला वो चिट्ठी अरुण की लिखी हुई नहीं है, और गजब तो ये है कि अब माफी मांगने का मौका भी हाथ से निकल गया। क्यों? अरुण अपने गांव चले गए हैं। तो परेशान क्यों होती है? वो हमेशा तो गांव में रहेंगे नहीं, जब वापस आए तब माफी मांग लेना। नहीं नहीं, पैसों के लिए किसी के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, भीख मांगने थोड़े ही जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो अपनी जायदाद गिरवी रख देंगे। चलो। दोनों भाइयों ने फिर झगड़ा शुरू कर। झगड़ा नहीं हुजूर, इस कपुआ के बच्चे ने अपनी गाय मेरे बैंगन के खेत में छोड़ दी और मैं मेरा सारा खेत साफ कर दिया। तेरे इसके पांचों बकरे मेरे सरसों के खेत में घुसे थे और सब बैंगन। गलत, एकदम गलत। हुजूर, मेरे तो सिर्फ चार बकरे हैं। तेरा लड़का भी तो साथ घुसा था। कपुआ के बच्चे, मेरे लड़के को पकड़ा बनाता है, अगर मेरा लड़का पकड़ा है तो तेरा लड़का बंदर। ए बचवा, सवाल सवाल कर बात कर। जाओ अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठो। अरे कचहरी है बादर, अरे जमींदार साहब सुन लेगा तो तुम दोनों को फांसी पे चढ़ा देंगे। ओह, गिरधारी भैया जी। नमस्ते। नमस्ते, जरा जमींदार साहब के दर्शन के लिए। हाँ हाँ, जमींदार साहब बस नीचे आते ही होंगे, आप पधारिए। तस्वीर आओ बेटा। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। अरे गिरधर बाबू, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आइए अंदर आइए। आओ बेटा। धन्यवाद, आपने एक मेरी बड़ी भारी चिंता दूर कर दी। कहिए कागजात लेके कब हाजिर हूँ? कागजात? कैसे कागजात? गिरधारी लाल जी, मैं आपका घर या जमीन गिरवी रखकर रुता नहीं दे रहा, और उनको बेगाना थोड़ी है। ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो गांव का नाम रोशन होगा। ऐसे होनहार लड़के की मदद करना हमारा फर्ज। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? आज आपके कारण मेरे इतने दिनों की इच्छा पूरी हो रही है, मगर मैं इस रुपए को कर्ज ही समझूंगा। गिरधारी बाबू, मालिक ने आपको जरा बुलाया है। चलो तो अरुण। नहीं सरकार, आपको अकेले बुलाया है। ओ, अच्छा बेटा, तुम घर जाओ, मैं अभी आया। अरुण, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? जरा नदी किनारे घूमने चला गया था। बैठो। पता है जमींदार साहब ने अलग बुलाकर मुझसे क्या कहा? ठहरी ठहरी, आप सब बातें ठीक से नहीं बता सकेंगे, मैं अच्छी तरह समझा देती हूँ। अरुण, बहुत ही अच्छी खबर है, पैसे तो जमींदार साहब देंगे ही, और साथ ही साथ अपनी इकलौती लड़की का रिश्ता भी देना चाहते हैं। तो इसका मतलब है वो मुझे पैसे देके खरीदना चाहते हैं? ये बात क्यों सोचते हो? तुम तो वहाँ कह ही आए थे कि पैसे तुम कर्ज ले रहे हो और विलायत से लौट कर चुका दोगे। नहीं ताऊजी, मैं शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं, मुझे विलायत नहीं जाना। ये न कहो बेटा, जरा सोच कर देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन अरुण की माँ का देहांत हुआ, उन्हें अचानक हैजा हो गया था। गाँव की बात तो तुम जानते ही हो, 8-10 गाँव में एक डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी दौड़ाए गए पर वो मिला नहीं, बेचारी बिना डॉक्टर के इलाज के ही चल बसी। उनकी मृत्यु से तुम्हारे पिता बहुत व्याकुल हो गए, शमशान घाट पर मुझसे बोले, अफसोस तो इस बात का है
कि उसके आखिरी वक्त एक डॉक्टर तक न जुटाया जा सका। समय पर डॉक्टर मिल जाता तो शायद बच जाती। धीरज धरो बुरारी, किस्मत का लिखा कौन टाल सका है। भैया, मैंने आज इस बात का प्रण कर लिया है कि जैसे भी हो, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेच देना पड़े, मैं अरुण को एक डॉक्टर बनाऊंगा, विलायत भेजूंगा ताकि बहुत बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन इसके बाद तुम्हारे पिता भी ज्यादा दिन कीजिए। तुम्हें डॉक्टर बनाने का भार अपने मित्र डॉक्टर माथुर को सौंप दे, उन्होंने तुम्हारी बहुत मदद की है। बेटा, तुम्हारे पिताजी की इच्छा क्या पूरी नहीं होगी? अगर यही बात तो जैसे आपकी खुशी। जीते रहो बेटा, अगर चाहो तो कल जाकर लड़की देखाओ। देखने से क्या होता है, सूरज से दिल का पता नहीं चलता। जब वो आपको पसंद है तो बस ठीक, लेकिन ताऊ जी मेरी एक शर्त, शादी में विलायत से लौट कर करूंगा। सुमित्रा जी का फोन आया है। हेलो, अरुण विलायत जा रहा है, किसी बहुत बड़े जमींदार की लड़की से उसकी शादी पक्की हो गई है और उसके होने वाले ससुर भी उसे अपने खर्चे से विलायत भेज रहे हैं। अब तो तेरे मन में कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए, हम सब उसे सी ऑफ करने जा रहे हैं, तू भी चल। चुप क्यों हो गई, बोल, चलेगी ना? मैं नहीं जाऊंगी। अजी सुनती हैं? देखिए कौन आए हैं, आपके भैया और हमारे साले साहब तशरीफ लाए हैं। अरे भैया, न चिट्ठी न खबर, यूं ही चले आए? हाँ बहन, अचानक ही आना पड़ा। बात यह है कि मेरा जमाई आज विलायत जा रहा है, मैं उसे जहाज पे पहुंचाने के लिए आया। मामा जी, आपका जमाई? तो क्या तारा की शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन हुई समझो, रिश्ता पक्का हो गया, मैं ही अपने खर्चे से उसे विलायत भेज रहा। वाह भैया, तारा का रिश्ता पक्का कर लिया और हमें खबर तक नहीं दी। खबर कैसे देता, सारा काम इतनी हड़बड़ी से हुआ कि बस। अच्छा भैया, लड़का कौन है, कैसा है? हीरे जैसा लड़का है, हीरे जैसा, अपने गांव का ही है। कविता, तू तो उसे जरूर जानती होगी, मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट क्लास फर्स्ट डॉक्टर अरुण कुमार। चुप क्यों हो गए, सारा कॉलेज उसे जानता है, स्टेट स्कॉलरशिप भी उसे मिल रही थी, लेकिन न जाने कॉलेज में क्या गड़बड़ हुई कि कैंसिल हो गई। तू नहीं पहचानती उसे? पहचानती हूँ। तो तू ही अपनी माँ को बता दे कि तारा के लिए वो कैसा है। बहुत अच्छे हैं वो, बड़ी खुशकिस्मत है तारा। सुन लिया ना बहन, मैं किसी आरे गरे के हाथ में अपनी लड़की का हाथ थमाने वाला नहीं। वही किस्सा छेड़ देती है, कह तो दिया पगली, मेरे दिल में तेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं, जिस बात पर मुझे तुझसे नाराजगी थी वो तो अब पूरी हो ही गई। हाँ, गिरधारी बाबू आपका जिक्र कर रहे थे, वो मेरे साथ ही आ रहे थे, लेकिन अचानक उनके धनपति की तबीयत खराब है। ओ, कोई बात नहीं, अरुण को रुख्सत करने के लिए मैं ही आऊँ। हाँ, अभी आ गए। अरुण जी दादा, एक खुशखबरी तो तुम्हें सुनाई नहीं, रत्ना के लिए एक बड़ा अच्छा लड़का मिल गया, मैंने रिश्ता पक्का कर लिया। अच्छा, रत्ना ने तो मुझे बताया ही नहीं। क्यों रत्ना, तुमने भी अपने होने वाले दूल्हे को देख लिया? तेरी शादी तो मैं देख नहीं सकूंगा, लेकिन विलायत से कोई अच्छा तोहफा जरूर भेजूंगा, बोल क्या चाहिए। अरे ये रहा, हाय अरुण। अरे केदार, हाय, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, लॉलीपॉप।
अरे ये क्या मजाक है भाई, सुना है पानी के सफर में चक्कर आता है, ऐसा हुआ तो लॉलीपॉप चूस लेगा कदम नहीं बदलेगा भाई। हम तो अंग्रेजी राज में भी ऐसे थे, देसी राज में भी ऐसे ही। थैंक यू। असलम ये क्या, ये क्या तकल्लुफ हो रहा है? तकल्लुफ नहीं भाई, इन फूलों में यारों की यारी की खुशबू है। बो रहा है अरुण, बना दो। कुछ खाएगी? नहीं। मेरा ख्याल है ये सुभाष के आने का सिग्नल है। आपको कैसे पता चला? इसलिए विसल की धुन अंग्रेजी है। तू कहाँ चली? बैठ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माफ कीजिए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वी आर टू। आओ सुभाष। यह है लीला, मेरी छोटी बहन, कल ही ऑक्सफोर्ड से लौटी। आप हैं मिस्टर कपूर? हाउ डू मिसेस कपूर एंड मिस कविता कपूर। ओह हाउ ब्यूटीफुल।
शी इज जस्ट लाइक एन अजंता पेंटिंग, है ना भैया? हो सकता है, लेकिन मैं कोई राय नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने इन्हें अभी तक अच्छी तरह से देखा भी नहीं। मैं जब भी आता हूँ तो ये मेरी आहट पाते ही उठ जाया करती, इसलिए मैं भी हमेशा आवाज देकर ही आता हूँ। लेकिन हैरानी की बात कि आज अभी तक यहीं बैठी। देखो सुभाष, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जाता हूँ, तब तक तुम बैठकर चाय। बैठने की कोई शर्त नहीं, चाय खड़े खड़े पी जा सकती हूँ। जाती तुम्हारी मर्जी। अच्छा, बाय बाय बाय। हाँ लीला, मेरा ख्याल है मिस कपूर यहाँ से खिसकना चाहती, तुम जरा इनका ख्याल रखना। शट अप, मैं तुम्हारी बहन हूँ, दरबार नहीं जो किसी की पहरेदारी करो। आइए मिस कपूर, हम लॉन पे चल के बैठे। क्यों, यहाँ क्या बुरा है? हाँ तुम लोग यहीं बैठो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। सुनती है, आपके भाई साहब आए हैं तारा को लेकर। तारा को यहीं भेज दीजिए। तारा मेरी भतीजी है, गांव से आई है। अच्छा, हाउ वंडरफुल, अ पीस ऑफ फोक आर्ट। नमस्ते, जीती रहो। सुभाष, ये मेरे भाई की लड़की तारा है। हाउ डू डू। भैया, ये ऑक्सफोर्ड से नहीं आई है? शोभना, भैया लड़की का ये क्या भेष बना रखा है तुमने? अरे भाई, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लाया हूँ, कविता के साथ रहकर ये शहरी तौर तरीके सीख जाए। आओ तारा। इनकी तारीफ? यू मीन मी? ये सुभाष है, जस्टिस भंडारी के सुपुत्र, विलायत से इंजीनियर बनकर लौटे हैं। सुभाष, ये मेरे भाई रशीदपुर के जमींदार। हाँ नमस्ते। हाँ भैया, चाय तैयार है। जरा सुनो, मैं एक जरूरी काम अधूरा छोड़ा हूँ, इसलिए आज ही रात को मुझे वापस जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो भैया, तारा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं उसको हर तरह से विलायत पढ़े लिखे लड़के के काबिल बना दूंगी। मेरी जान पहचान की गवर्नेस है, मैं कल ही से उसे तारा के लिए एंगेज कर लेती हूँ। तुम यहीं बैठो, मैं चाय भिजवा देती हूँ। ओ माय गॉश, ऐसा नहीं पीने का है। डोंट बी अफ्रेड, सिट डाउन। इस ड्रेस में मैं कैसी लगती हूँ बताओ ना दीदी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। डजंट शी लुक स्मार्ट एंड प्रिटी? एकदम बकवास। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। हॉरिबल। यू मैन। सारा तुम्हारी ड्रेस तो फ्लॉप हो, लेकिन चलो फिर भी तुम्हें कहीं सुनो। आओ रैकेट लगाओ। कविता जरा सुनो तो, तारा कहाँ है? वो सुभाष के साथ खेल रही है। हेलो डैडी। सत्यानाश, तारा को यहाँ लाया था शहरी तौर पर सिखाने के लिए, लड़का बनाने के लिए तो नहीं? ये जी, मैं तो बड़ी मुसीबत में। क्या है तारा? पिताजी का हुक्म। क्या हुक्म है? कौन से चिट्ठी मिलते ही उसको एक पत्र लिखो। कौन महापुरुष? वही जो विलायत गए हुए हैं। तो इसमें क्या है? वाह जी, मैंने इसे पत्र लिखने कहा सीखे? गाँव में तो सिर्फ धोबी का हिसाब लिखती थी। मेरी अच्छी दीदी, मेरी तरफ से तुम भी एक पत्र लिख दो ना। मुझे क्या पड़ी तेरा प्रेम पत्र लिखने की? जी जी, हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, तो मैं बोलती जाऊंगी, तू लिखती जाऊंगी। बाप रे बाप, मैं लिखूं? जी जी, मेरी लिखाई देखकर तुम विलायत से लौटने का नाम भी नहीं लेंगे। कौन जाने, तार भेजकर शादी के लिए मना ही कर दे। जी जी, तुम ही लिख दो ना। अच्छा बोल, कैसे शुरू करूं? कुछ भी लिख दो। कुछ भी ऐसे? ये भी मुसीबत है। हाँ याद आया, गांव में मेरी एक सहेली है जो अपने पति को पत्र लिखकर मुझे सुनाती थी। वो लिखती थी। क्या लिखती थी? मुझे शर्म आती है। अरे मुझे शर्म कैसी,
बता मेरे हृदय के स्वामी। अरे ये बातें आजकल नहीं चलती। इसीलिए तो कह रहे थे तुम लिख दो कोई अच्छा सा अंग्रेजी लफ्ज ठोक दो ऐसा कि जिसे पढ़कर वो कुर्सी से उछल पड़े। तारा देख तो लीला ही है क्या? हाँ दीदी लीला के साथ सुभाष जी भी है। मैंने तो उनके साथ घूमने जाने का वादा किया था लेकिन मुझे इम्तिहान की तैयारी करनी है। तारा मेरी जगह तू ही चली जाना उनके साथ। नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगी। सुभाष जी इतनी तेज अंग्रेजी झाड़ते हैं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तू नहीं जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा और फिर तेरा ये पत्र यूं ही रह जाएगा। अच्छा अच्छा तो फिर मैं ही चली जाऊंगी लेकिन इस बीच में ये पत्र जरूर लिख देना। जरूर। वाह वाह कितना अजीब जानवर है इसे क्या कहते हैं? ये अफ्रीका में पाया जाता है इसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। हिंदुस्तानी में क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी क्या कहते हैं? अरे हाँ ये तो हिंदुस्तान में पाया नहीं आता फिर हिंदुस्तानी नाम कैसा? बस ऑस्ट्रिच। ओ शेर। Isn't China very simple? I like this type. Really? Since when? Oh, don't be silly now. आप दोनों अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं और मैं कुछ भी समझ नहीं पाती। Oh, I'm so sorry. अब तो हम आजाद देश के वासी हमें ना तो अंग्रेजी बोलना चाहिए और ना ही सीखना। यहाँ और क्या क्या है? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी। चलो चले। भाई मैं बहुत थक गई हूँ जरा यहाँ बैठ के सुस्ता लूँ। तुम लोग देखो जी आज तो बड़ा मजा आया लेकिन थक के चूर हो गए हूँ। कहाँ कहाँ की सैर की? चिड़ियाघर गए थे। लीला तो थक कर एक जगह बैठी लेकिन सुभाष जी ने मुझे खूब घुमाया। जी सुभाष जी जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कौन सा हाथी असम का है और कौन सा अफ्रीका का। और तो और एक जगह एक बंदर बहुत उछल कूद मचा रहा था लेकिन सुभाष जी को देखकर वही का वही खड़ा रह गया। जरूर उन्हें पहचान गया होगा। तेरी चिट्ठी लिखती है पढ़ के देख ले। मेरे पढ़ने की क्या जरूरत है तुमने लिखी है तो अच्छी होगी कल सुबह ही डाक में डाल दूंगी। जी जी इसमें और जगह है लिखने की? क्या लिखना है? नहीं कुछ नहीं बाद में देखा जाए। इंग्लिश टीचर आए तो उनसे कह देना मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी। क्यों? सुभाष जी कह रहे थे अब हिंदुस्तान आजाद हो गया है अब इंग्लिश की जगह हिंदी सीखनी चाहिए। अरे सुभाष के कहने से क्या होता है अरुण तो यही चाहेगा कि तू इंग्लिश में बातचीत किया करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी मैं अरुण के गुलाम रहूंगी। चुप ऐसी बातें नहीं किया करते। ये ले तेरी चिट्ठी। मेरी?
जवाब आ गया। मेरे पत्र का? हाँ, जो तुमने मेरी तरफ से उन्हें विलायत लिखा था, लो पढ़ लो। तो मैं क्यों पढ़ूं? तेरे उन्होंने लिखा है, तू ही पढ़। कोशिश तो की लेकिन कई बातें समझ में नहीं आती, जरा पढ़ के समझा दो ना। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, तू पढ़, जो ना समझ में आए पूछ ले। अच्छा, अनजानी लेकिन मेरी, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे हैरानगी भी हुई और खुशी भी। हैरानगी इसलिए कि जिसे मैं गांव के एक मामूली से बेजुबान लड़की समझता था, वो बेजुबान और मामूली हरगिज नहीं। वो इतना सुंदर और भावपूर्ण पत्र लिख सकती है जिसके मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। झरने के साफ स्वच्छ पानी की तरह तुम्हारी भाषा और मोती के लड़े की तरह तुम्हारी लिखावट। समझे अपनी लिखावट को तारी? अगर मैं कभी पकड़ी गई तो तुम ही बचाना। मुझे बेहद खुशी हुई अपने सौभाग्य पर कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता तय हुआ। वाह दीदी, कमाल कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्या लिख दिया था जो एक ही पत्र ने जादू का सासर कर दिया? अपने पत्र में तुमने जानना चाहा है कि तुम्हें बिना देखे ही मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गया। उसकी वजह है, देखकर पसंद करने के तरीके पर से मेरा विश्वास उठ गया है, क्योंकि मेरे जीवन में पहले भी एक लड़की आ चुकी है। अरे बाप रे, वो कौन? आगे पढ़ना। पहले दिन जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मुझे महसूस हुआ कि जीवन में जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई। उसके चलने फिरने, बातचीत के ढंग और व्यवहार से लगता था कि जैसे वो कोई देवी की मूर्ति हो, लेकिन दरअसल वो सिर्फ देवी का नकाब ही पहने हुए थी। एक दिन जब उसे नकाब के बिना उसके असली रूप में देखना पड़ा तो दिल को बहुत ही गहरी ठेस लगी। इसलिए बाहरी रूप देखकर मैं तुझे पत्नी करना नहीं चाहता। तुम्हारे पत्र से तुम्हारी सुंदर आत्मा का लुभावना रूप झलकता है, जो बहुत ही निर्मल और शांत है, इसलिए अलौकिक है और इसी से मुझे चाहत है। मेरे लिए तुम अनदेखी ही। अरे ये क्या? दीदी तुम उठ क्यों गई? पत्र तो अभी पूरा नहीं हुआ। लो सुनो, यहाँ देश से दूर मैं अकेला हूँ। अगर बीच बीच में तुम्हारे ऐसे प्यारे प्यारे पत्र आते रहे तो अपने मन में से इस खमन भरी मूर्ति को हटाकर तुम्हारी सुंदर मूर्ति नए सिरे से अपने मन में बसा सकूंगा। बताओ, मेरी सुनी जिंदगी को अपनी मधुरता से भर सकोगी? मेरा साथ दोगी? अरुण दीदी, इसका जवाब लिखो तो ये जरूर पूछ लेना कि वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था। लेकिन अगला पत्र मैं नहीं लिखूंगी, तू लिखना। वाह जी, मैं लिखूंगी तो सारा भेद न खुल जाएगा, सारी तारीफ मिट्टी में न मिल जाएगी। अब विलायत से हर पत्र का जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। अपने जाल में खुद ही फंस गई हो। आराम किया? मुझे सुभाष जी आए। अच्छा जीजी, लो ये रहा तुम्हारा पत्र, मैं सुभाष जी के साथ टेनिस खेलने जा रही थी। तुम्हारे भैया तारा को मॉडर्न बनाने के लिए ही तो यहाँ छोड़ गए हैं ना? है? और इस काम के लिए सुभाष से अच्छा आदमी और कौन होगा? आप तो दुनिया की हर चीज को ऊपर ऊपर से देखते हैं। तारा जवान लड़की है, उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है। नहीं नहीं, तारा और सुभाष के इतने मेल जोल को हमें रोकना ही पड़ेगा। आंटी, आंटी, एक मजे की बात बताओ, कल सुभाष जी उनके शिकार पर ले जा रहे हैं और कहते थे मुझे बंदूक चलाना भी सिखाएंगे। जी 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 जी, तुम भी चलो ना हमारे साथ, बड़ा मजा रहेगा। वाह जी, क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? मेरे तो इम्तिहान नजदीक है, तुम लोग हुआ। अच्छा अच्छा, लौट कर मैं तुम्हें सारा किस्सा सुनाऊंगी। नहीं तारा, तू भी नहीं जाएगी। अगर ऐसी बातें करेगी तो मैं तुझे गांव भेज दूंगी। कैसे बातें? शिकार पर जाने की? नहीं, सुभाष के साथ तेरा इतना मेल जोल मुझे पसंद नहीं। क्यों, क्या किया है सुभाष जी ने? वो तो इतने प्यार से मिलते जुलते हैं, किसी बात पर नहीं बिगड़ते। मुझे इंग्लिश सिखाते हैं, शायरी सिखाते हैं। जी जी, क्या बुराई है इसमें? आप ही बताइए ना अंकल। आप सब चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? तुम खामखा बच्ची को परेशान करती हो। अरे बेटी, तुम तो सचमुच रोने लगे।
खेलना तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कई दिनों से शिकार पर जाने की सोच रहा था। बेटी मैं भी कल तुम्हारे साथ शिकार पर चलूंगा, समझी ना? लो अब रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो बेटी। देखो जी, जब तक तुम नहीं कहोगी ये रोना बंद नहीं करेगी। ओहो, अब रोने की कौन सी बात है, तेरे अंकल भी तो साथ जाने को तैयार हो गए, कल चले जाइयो। मिस्टर कपूर, मुझे तो गुमान ही न था कि आप भी तशरीफ लाएंगे। मैं तो तारा की जिद से यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ आकर ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ ना आता तो इतनी दिलचस्प जगह न देखने का अफसोस रहेगा। मिस्टर सिंह, शिकार का तो सब इंतजाम हो गया ना? हाँ, सब हो गया है। मेरे एक और मेहमान शहर से आने वाले हैं, और हाँका लगाने वालों को भी मैंने बुलवा भेजा है। हाँका? फनी वर्ड, ये हाँका क्या होता है? जंगल में शेर को घेर घर कर लाने के लिए जो टीन कनस्तर बजाकर शोरगुल मचाना पड़ता है उसे हाका कहते हैं। ये हाका करने वाले आदिवासी कौम के लोग होते हैं। कहाँ रहते हैं? आसपास गांव में। अभी थोड़ी देर में अपने अपने ढोल मजीरे लेकर यहाँ पहुँचेंगे। ढोल मजीरे लेकर? तो क्या वो नाचे गाएंगे? हाँ, रात भर रंग जमाएंगे। फिर तो बड़ा मजा आएगा। आपने कहा था कोई और साहब भी तशरीफ ला रहे हैं? शहर से मेरे भाई ने लिखा है कि वो अपने दोस्त को साथ ला रहे हैं, लेकिन उनको तो अभी तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मिस्टर सिंह, हम लोग आ गए। After all, we have reached. अरे ये आप लोगों ने हाल क्या बना रखा है, इससे भी पूरा हाल हो सकता था। हॉर्स पावर फेल होने से मैन पावर से पहुँचे। अरे कपूर साहब, आप कविता नहीं आई? नहीं, कविता नहीं आई। ये कविता की कजिन सारा है, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। ये लीला है और ये सुभाष। और ये दो, आई एम ऑल राइट। आप लोगों से मिलके बड़ी खुशी हुई। आपको भी शिकार का शौक है? करने का नहीं, देखने का है। आप लोग बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं। इन दिनों एक मैनेजर ने इस इलाके में उधम मचा रखा है। मैनेजर? माय माय, सिंह साहब माफ करना, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ, कहिए कहिए। इस शेर को मारने का पहला मौका मुझे दिया जाए। मैंने जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों शेर मारे हैं, लेकिन मैनेटर, वाह वाह, ऐसा शिकार मैंने कभी नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों को इतराज न हो तो। बड़ा शौक से जी, हम तो तफरी के लिए आए हैं यार। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये शेर नहायत ही खतरनाक और चालाक है। परसों ही की बात है कि पास की बस्ती में से एक जवान लड़की को उठा ले भागा। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लगता। घबराइए नहीं, मैं शेर को मार दूंगा। हाँ तो हम कल सुबह ही शिकार पे जा रहे हैं ना? हाँ, मैंने हाथियों का भी इंतजाम कर रखा है। छी 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 छी, क्या कह दिया आपने, सारा मजा किरकिरा हो गया। हम लोग हाथी पे बैठ के शिकार करेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम चिड़ियाघर में जाके शेर मार लें। यू नो मिस्टर सिंह, मैं तो कभी मचान पे भी नहीं बैठता, जमीन पे खड़े रहकर शिकार करता हूँ। और जानते हैं आप, जब शेर उछलता है तब मैं गोली मारता हूँ। एक्साइट्स मी, इट गिव्स मी थ्रिल। सलाम हुजूर, सलाम। पता लगा है कि नदी के उस पार जंगल में वो आदमखोर शेर आया हुआ है। शेर चौकन्ना हो गए, शायद उसे पता चल गया है कि उसे मारने की स्कीम बनाई जा रही है। पता क्या चलेगा उसे, लेकिन फिर भी हमें आज रात अपनी बंदूकें अपने पास रख होना चाहिए। आपका मतलब है शेर रात को तंबू में भी आ सकता है? तंबू में अंग्रेजी की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए। मुझे तो डर के मारे रात भर नींद नहीं आएगी। मिस्टर सिंह, इस तंबू का कपड़ा ज्यादा मोटा नहीं हो सकता? क्या मतलब? जी मेरा मतलब है, आफ्टर ऑल हमारे साथ लेडीज है ना, इनकी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए। आप घबराइए नहीं, बैठिए, कुछ चाय नाश्ता कीजिए। अरे चाय तो ठंडी हो गई। दादा गरम चाय ला। मैं दूध पीऊंगा। अच्छा दादा आइए, ठंडा रहिए।
शेर बना देकर आप बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन कल जंगल में असली शेर से मुकाबला करना पड़ेगा। कल क्यों, मैं अभी जाने को तैयार हूँ। ठहरिए, मैं बंदूक लाता हूँ। इतनी जल्दी नहीं, अभी आराम कीजिए, कल सुबह देखा जाएगा। और राइट, जैसे आपकी इच्छा। पीरातन, मेरा बिस्तर लगाओ। गुड नाइट। क्या हो गया? बस फिर वही पुराना गुर्दे का दर्द शुरू हो गया। आप लोग शेर के शिकार को जा रहे हैं, काश मैं भी चल सकता। हम लोग भी ठहर जाते हैं। शेर के शिकार का शौक तो आप ही को है, जब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी फिर चलेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी ठीक नहीं हूँगा। आप लोग जाइए, फौरन शेर को मार के ले आइए। हुजूर साहब ने अभी तक कुछ नहीं खाया, इनके लिए क्या लाऊं? इनके लिए नींबू पानी ला, इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा सरकार। तो फिर भाई साहब आप लोग चलिए, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। केदार को अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं। नहीं नहीं, तू भी जा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो फिर चलिए कपूर साहब, चलिए। दारा देखो तो वो लोग चले गए कि नहीं। हाँ जी, जा ही रहे हैं। नाश्ता लाओ, नाश्ता लाओ। सरकार ये नींबू पानी फेंक दो बाहर, चिकन सूप लाओ। हरी अप सरकार। हाँ। मुझे आपको नाश्ता देकर बाजार जाना है। ओके। खाली कैसे, आपको डर तो नहीं लगेगा? ओ बेवकूफ, मैं डरूंगा? नाश्ता देके जहाँ जाना है जाओ, गेट आउट, डोंट अपसेट मी। बड़ी भूख लगी है। सरदार। हुजूर, शेर की खबर मिली? हुजूर शेर यही कहीं है, उसके पंजों के निशान आसपास ही पाए जाते हैं। आप हाथी लेकर टीले चढ़िए, आपका इशारा पाते ही महाका लगाना शुरू कर देंगे। Thank you.
के मारे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी। अरे मानता नहीं है, अभी मजा चखाता हूं। पालतू होने से क्या होता है, फिर भी है तो शेरनी, जाओ जाओ बांधो उसे। बल्टू जाओ उसे बांध ला। साहब आप डर क्यों रहे हो? मैं कोई डर रहा हूँ? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी बंदूक दूर थी, वरना मैं तो उसे भंग कर रख देता। ठा कोई है, मेरा दूसरा पजामा लाओ। माँ तारा कहाँ है? पहले ये बता कि तू कहाँ है। अरे भूल गई, तारा और तेरे पिताजी सुभाष के साथ 3 रोज से शिकार पर गए हुए हैं, आज रात लौटेंगे। तुझे घर में रहकर भी घर का पता है, पर्स लिख लेंगे। Thank you.
शिकार से लौट आए? नहीं तो? तो अभी अभी आवाज किस गाड़ी की थी? वो तो अपनी छोटी गाड़ी मरम्मत से आई। तारा, लो तेरा खत आया है। मेरा खत? ओ, जानती हो दीदी, आज शिकार पर बड़े मजे की बात है। एक शेर, तू अपनी चिट्ठी नहीं पढ़ेगी? मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने तो कल पढ़ लेंगे। वाह, इतनी दूर से तो चिट्ठी आई है और तू पढ़ेगी भी नहीं? अच्छा तो तुम पढ़ो, मैं सुनती हूँ। सुनाओ ना दीदी। चुप क्यों? हाँ सुनो। तुम्हारा दूसरा पत्र पढ़ा, जो जो पढ़ता गया मेरी हैरानी भी बढ़ती गई। तुम कैसी ऐसी प्यारी चिट्ठी और ऐसी सुंदर भाषा लिख लेती हो। तुम्हारी हर एक चिट्ठी में मुझे जिंदगी की धड़कनें मिलती हैं। जब काम में डूबा हुआ होता हूँ तो भी तुम्हारी चिट्ठी में लिखी बातें एक रागनी की तरह मेरे मन में गुनगुनाती रहती हैं। तारा, तुम्हारा मन भी कितना सुंदर होगा। न होता तो तुम मुझे उस लड़की को क्षमा करने के लिए न लिखती, लेकिन कुछ भी हो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। उसकी भूल ऐसी नहीं जिसे मैं जिंदगी भर भूल पाऊं। अरे सो भी गई क्या? तुम्हारी चिट्ठी है, तुम जानो, मेरा क्या वास्ता। जब मैं तुम्हारा मुकाबला उससे करता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे तुम नील गगन हो और वो पाता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की भूल से किसी का भला हो जाता है। वो लड़की भूल न करती तो तुम मेरे जीवन में कैसे आती? इतना सुंदर पत्र मुझे कौन लिखता? परदेश में मेरी तन्हाइयां कैसे आबाद हो? जफाना तेरी वफा दिल प्यार में।
छुपेगा और कहां हर शैन सनम अंदाज तेरा और न कुछ भी याद रहाना अपनी जफाना तेरी वफा दिल प्यार में ऐसा डूब गया और न कुछ भी याद My eyes are burning. Help! सब किया कराया मट्टी मिल गया. ये देखिए तार. किसका तार है? भैया क्या बात है? मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया. चुप क्यों हो? मुझे भी तो पता चले किसका तार है. क्या लिखा है? लंदन से अरुण का तार है. उसकी आंखें जाती रही. लेबोरेटरी में काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया है. तारा की तो किस्मत ही फूट गई. क्या करूं क्या न करूं मेरे कुछ समझ में नहीं आता. धीरज करिए. होनी को कौन टाल सकता है? हफ्ते भर में वो विलायत से लौट रहा है. लिखा है उसके ताऊ को इसकी खबर बिल्कुल न दी जाए और साथ में तारा को एरोड्रोम पर आने की हिदायत दी है. नहीं नहीं, तारा वहां नहीं जाएगी. मैं अपनी बेटी की किस्मत एक अंधे के हाथ नहीं सौंप सकता. जो कुछ होना था सो हो चुका. मुझे अपने पैसे की फिक्र नहीं. फिक्र है तो इस बात की कि तारा का जीवन न बिगड़े. क्यों रे,
यहाँ क्यों खड़ी है? ऐसे। अरे मामा जी आप, ये सन्नाटा सा क्यों है? आप सब चुप क्यों हैं? मैंने भी चाय नहीं पी, एक प्याली बना दो ना। एक बहुत ही बुरी खबर है बेटी, अरुण अरुण अंधा हो गया है। कितने दुख की बात है, बहुत ही होनहार लड़का था, बेचारा भरी जवानी में अंधा हो गया। जो उम्र दुनिया देखने की हो, उस उम्र में किसी की आंखों की रोशनी चली जाए, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? न जाने परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ये सब बातें तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? किस मुंह से बताती? यकीन कर सुमी, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। सारा के साथ तारा ही के कारण शुरू हुआ, लेकिन वो तो धीरे धीरे इस मामले से अलग हटती गई और मैं उलझती चली गई। अरुण के खतों से साफ जाहिर है कि वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन चिट्ठियां लिख लिख कर जो तारा का रूप मैंने उसके सामने पेश किया है, उस तारा को वो पसंद करता है। लेकिन दरअसल वो तारा तो तू ही है। शायद मैं ही हूं, मेरे अंदर जो मैं है उसे वो पसंद करता है, बाहर जो मैं हूं उससे वो नफरत करता है। इस मैमे की लड़ाई में मैं मरी जा रही हूं सुमी। अब करेगी क्या, कुछ फैसला किया है? कुछ नहीं, लेकिन इतना जानती हूं जो नाटक दूर से करती रही हूं वो नजदीक से करना मुमकिन नहीं। अरुण कल ही विलायत से लौट रहा है, मैं तो उसके सामने जा नहीं सकती, और सुना है और भी कोई एयरपोर्ट नहीं जा रहा। अपने ताऊजी को भी खबर करने के लिए उसने मना कर दिया है। इस मुसीबत में वो अपने आप को अकेला पाकर घबरा जाएगा। सुमित्रा, तुम लोगों ने तो अपना नर्सिंग होम खोल लिया है, इसलिए तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी आई हूँ। इस वक्त तुम ही उसकी मदद कर दो। तू घबरा मत कविता, मैं और केदार एयरपोर्ट से उसे सीधा नर्सिंग होम ले आएंगे। अरुण, केदार, केदार। सुमित्रा भी है। हेलो अरुण। ओह हेलो सुमित्रा, तुम्हारी शादी की खबर मिली, कंग्रेचुलेशन, बहुत ही खुशी हुई। मगर केदार, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? मैंने तो अपने आने की खबर किसी भी नहीं दी थी। अरे भाई, हम तो कयामत तक की खबर रखते हैं। आओ चलिए, आओ। हर रोज इस वक्त मुझे बुखार रहता था, लेकिन आज अच्छा भला हूँ। लो अरुण, ओवल्टीन पी लो। सुमित्रा, मैं डॉक्टर श्रीवास्तव को अरुण के आने की खबर देने जाता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। अच्छा सुमित्रा, तारा का कुछ पता लगाया? हाँ, तुम्हारे दिए पते पर आदमी भेजा था, खबर मिली है कि बेचारी बुखार में पड़ी हुई है। ओहो, तभी वो मुझे मिलने एयरपोर्ट पे ना आ सकी। अच्छा सुमित्रा, क्या मैं खुद जाकर उससे मिल नहीं सकता? नहीं नहीं, तुम कैसे जाओगे, सर्दी का बुखार है, दो एक दिन में ठीक होकर वो खुद ही तुमसे मिलने आ जाएगी। लो बुलेटिन पियो, ठंडी हुई जा रही है।
केदार। यस सर। मुझे उम्मीद तो बहुत है। आंखों की रगें अभी तक जानदार है, लेकिन सबसे पहले अरुण का बुखार उतर जाना चाहिए, और बुखार उतरने के बाद उसे कुछ दिनों के आराम की बहुत जरूरत होगी। मेरा ख्याल है ऑपरेशन 2 हफ्ते के बाद ही हो सकेगा। खैर, मैं दवाई लिखे देता हूँ और खुराक भी, तुम उसे ये देना शुरू करो। उम्मीद है टेम्परेचर जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जिन पर हम लोगों का हक बहुत कम होता है, वही काम आते। केदार, केदार एक बात सच सच बताओगे, दारा की बीमारी बहाना तो नहीं? उसके घर वाले उसे यहां आने से रोक तो नहीं रहे? अरे बीमारी शक की माँ है और मोहब्बत मौसी, अब तुम्हें हमारा भी अदबा नहीं रहा। यकीन करो अरुण, बीमारी से उठते ही तारा सीधी यहीं आएगी। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देख, झूठी बातें बनाकर अरुण को अब और नहीं बहलाया जा सकता। दरअसल हमें शुरू में ही उसे कह देना चाहिए था कि तारा उसके पास नहीं आएगी, बस यही हमारी भूल हुई। क्या दिन रात तारा के ही नाम की रट लगाए रहते हैं? हाँ, बार बार कहते हैं कि तारा जरूर सख्त बीमार हो गई है, मुझे उसके पास ले चलो। कल सारी रात बहुत तेज बुखार रहा। डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि इस बुखार का असर आंखों पर बहुत खराब पड़ेगा। अच्छा, तारा के किसी तरह भी उसके पास जाने को राजी नहीं हो सकती? नहीं सुमित्रा, इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर तारा की जगह तू ही एक बार चली चलना। कभी बहुत अंधेरा महसूस होता है, आंखों के अंधेरे से मैं नहीं घबराता, मन के अंधेरे से डर लगता है। सुमित्रा, क्या बजा है? 11 बज रहे हैं। दिन के या रात के? रात के। तब तो सब सो गए होंगे। हाँ, तुम भी सोने की कोशिश करो। जिंदगी
माँ मेरा इरादा है मैं आज राधे की गाड़ी से दार्जिलिंग चली जाऊँ। आज कैसे? परसों तो तेरे पास चले की पार्टी देनी है। नहीं माँ पार्टी रहने दो, मैं आज ही जाना चाहती हूँ। अजीब लड़की है, चले तो अढ़ाई चल, नहीं तो चले ही नहीं। तुम्हारी गाड़ी कितने बजे जाती है? रात 9 बजे। सामान बंद किया है, मैं एक सहेली से बाहर मिलने जा रही हूँ, 8 बजे तक लौट आऊंगी। मैं बावर्ची से कह देती हूँ खाना तैयार रखे। नर्स, डॉक्टर सुमित्रा कहाँ है? सुमी, अरे तू अचानक कैसे चली आई? कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, अरुण को एक बार देखने के लालच में चली आई। तारा, तुमने लिखा था कि तुम मुझे जन्म जन्मांतर से जानती हो, मगर अचानक अंधेरा कैसे छा गया कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। कोई है जो मेरी रोशनी कर दे? बुखार की बेहोशी है और साथ ही आंखों में दर्द भी शुरू हो गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव भी नया आजार देखकर घबरा गए हैं। कौन? तारा? नहीं अरुण, मेरी एक सहेली है। क्या हुआ? देखो मेरी आंखों से खून बह रहा है, ये देखो मेरे हाथ। नहीं नहीं, ये खून नहीं तो पानी है। मगर मेरी आंख फट रही है, कोई सुइयों से चुभ रहा है। धीरज रखो अरुण, मैं अभी आती। तारा, क्या तुम किस तरह एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आ सकती? तारा, मैं जानता हूँ तुम बेबस हो, मेरे तुम्हारे दरमियान दुनिया की दीवार। वो लोग नहीं चाहते कि तुम एक अंधे से मिलो। तो ठीक है तारा, मैं आ रहा हूँ। तारा, मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। तारा, कौन हो तुम? चुप क्यों हो? जवाब दो। मैं हूँ तारा। मेरे परिवार? तारा, कितना अभागा हूं मैं जो तुम्हें इतना करीब पाकर देख नहीं सकता। हे भगवान, मेरा सब कुछ ले लो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दो, ताकि मैं अपनी तारा को एक बार देख तो लूं। लेट जाओ रूम, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। अब बुखार का एक मसिया के हाथ जो लग गया। डॉक्टर कौन? सुमित्रा। सुमित्रा देखो तारा आई है, मैं ना कहता था कि वो जरूर आएगी, सब दीवारें तोड़कर आ गई वो। बड़ा अच्छा किया तारा जो तुम आ गई, ये तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जप रहे थे। ये लो तारा, अरुण को इसमें से एक गोली खिला दो, मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव से फोन पर पूछ लिया है। क्या बात है अरुण, दर्द क्या ज्यादा हो गया है? हेलो मिस, ये तारा है। वो तो आप ही तारा जी हैं? हाँ केदार, यही है तारा जिसका मैं जिक्र करता था। अरुण, वो लिखा लो।
कविता, कविता, तारा, कविता अभी तक नहीं लौटी? नहीं तो? परेशानी में डाल दिया उसने, 9 बजे से गाड़ी पकड़नी थी और अब 9:30 बज रहे हैं। बहुत देर हो गई है, मैं अब चलती हूँ, सुबह फिर आऊंगी। मिस कविता कपूर, डबल रोल के लिए मुबारक हो। मतलब? कविता का एक मिसरा ऐसे उड़ा कि उड़ते उड़ते आसमान का तारा बन गया। कविता, तारा तो बन गई हो, लेकिन इस नए रोल का अंजाम भी मालूम है? कौन जाने, तूफान में कश्ती छोड़ दी है, अब तो तूफान के बाद ही पता चलेगा कि किस पार लगेगी। भगवान भले ही करेंगे। खैर जो कुछ भी हो, अब तो तुम जानो, तुम्हारा काम। ये रहा डॉक्टर श्रीवास्तव का दिया हुआ दवा खुराक का चार्ट, इसी के मुताबिक अरुण की देखभाल शुरू कर दो। चलो अच्छा है, मुफ्त की नस मिल गई। आज तो तुम बड़ी जल्दी जाग गए, तारा से मिलने की खुशी में नींद भी आई या नहीं? अच्छा सुमित्रा, तारा को तो तुमने कल पहली बार देखा था ना, कैसी लगी वो? बड़ी अच्छी लड़की है, वेरी स्वीट। पता है सुमित्रा, दरअसल वो गांव की लड़की है और ज्यादा लिखी पढ़ी भी नहीं, लेकिन फिर भी खत इतने खूबसूरत लिखती है कि खुश्क आदमी भी उसके खत पढ़कर रंगीन मिजाज हो जाए। अच्छा, लेकिन सुमित्रा, तारा देखने में गाँव की लड़की लगती है या शहर की? एकदम गांव की, शहर की तो वो भी नहीं है। लो, तुमने उसे याद किया और वो आ भी गई। अच्छा अरुण, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तारा, तुम्हारे आते ही कमरा महक उठा। अब तुम कैसे हो? ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनके देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, लेकिन ना जाने क्या जादू है तुम्हारी आवाज में कि उधर तुम्हारे होठों से फूल झड़े और इधर मेरी आंखों का अंधेरा कम होने लगा। तारा, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें देख रहा हूं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्यों नहीं, ख्याल के रास्ते में कोई दीवार नहीं, वो अनदेखी चीजों की भी तस्वीर बना लेता है। तारा, तुम भी सोचती होगी ये कैसा प्रेमी जो अपने अंधेरे का बोझ मेरे कंधों पे डाल रहा है। थर्मामीटर लगा लो तुम। क्यों, मेरा मुंह बंद करना चाहती हो? नहीं, अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहती। मरीज को बातें कम और आराम ज्यादा करना चाहिए। तुमसे बातें करने ही में तो मुझे आराम मिलता है। तारा, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? जब तक तुम्हारी आंखें न ठीक हो जाए कैसे जा सकती हूँ? तो क्या मैं उस दिन के लिए रोशनी मांग रहा हूँ कि एक रोशनी मिले और दूसरी चली जाए? कहाँ जाओगी तुम? क्या पता? जाओगी कैसे, मैं जाने ही नहीं दूंगा। लाओ ये ट्रे मुझे दे दो। सुमित्रा, अगर तारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ी होती तो आज एक अच्छी खासी डॉक्टर होती। तारा, तुम इन्हें नाश्ता करा दो। पता है तारा, अंधे हो जाने से कुछ दिन पहले विलायत में मुझे खत मिला था। यहां से मेरे एक दोस्त ने लिखा था कि तुम्हारी मंगेतर तारा किसी दूसरे लड़के के प्रेम में पड़ गई है। ठीक उन्हीं दिनों में तुम्हारा भी कोई पत्र मुझे नहीं मिला था। मैं घबरा गया, सोचने लगा कि तारा ने मुझे कभी देखा तो है ही नहीं, और अगर अब वो किसी को देखकर उससे मिलकर उसे चाहने लगे तो उसमें उसका दोष ही क्या है। लेकिन अब पता चला कि कितना झूठ और गलत लिखा था उसने। ओह नो 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 तारा, मुझे माफ करो और कोई भी काम करा लो, लेकिन अपने पिताजी से मिलने की बात मत करो। क्यों?
तुम्हारे पिताजी को देखकर ही ये लगता है कि कम से कम 100 कदम से दूर रहा जाए। पहली बार हेलो यंग मैन कहकर जो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई अभी तक चर्च नहीं गए और उनकी ऐंठदार मुझे। देखो मेरे पिताजी के बारे में ऐसा कहोगे तो हमारा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा नहीं बोलूंगा बस। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे पिताजी से मिलकर मैं कहूंगा क्या? हमारी शादी की बात और क्या। ओहो लेकिन तुम इस बात के लिए इतना परेशान क्यों? शादी की रस्म क्या बड़ी चीज, समझ लो कि हम लोगों की शादी हो गई। छी छी ऐसा भी कहीं होता है? जब भी मैं तुमसे ये बात बोलती हूँ तुम उसे टाल जाते हो, लेकिन एक न एक दिन तो बात तय करनी ही पड़ेगी। अरे जब वक्त आएगा तो हिम्मत करके तुम्हारे पिताजी से मिल लूंगा। आओ चलो आ चलो चलो। बुझो तो आज कौन से फूल लाई हूँ? गुलाब है ना? और ये भी बताऊं कि तुम्हारी ओढ़नी का रंग क्या है? बता। गुलाबी। फूलों का अंदाजा तो खुशबू से हो सकता है, ओढ़नी के रंग का पता कैसे चला? मैं कोई नजूमी नहीं, सोचा तुम गुलाब के फूल लाई हो तो ओढ़नी भी गुलाबी पहनी होगी। अच्छा तारा क्या तुम हमेशा घाघरा चोली पहनती हो या कभी कभी साड़ी भी? साड़ी भी पहनती हूँ। आज तुमने माथे पे बिंदिया लगाई है? नहीं तो, तुम्हें बिंदिया अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। कल से लगा के आया करूंगी। लो तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। आज मौसम कैसा? बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ धुआं धुआं सा है। तारा एक बात पूछो। पूछो। तुम्हारे पिताजी अभी तक मुझे देखने क्यों नहीं आए? एक जरूरी काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ा, वरना वो तो रोज आते। आज मेरा दिल हल्का हुआ, मुझे शक था कहीं वो ये ना सोचते हो कि अब मैं अंधा हूँ, वो अपनी लक्की का हाथ मेरे हाथ में क्यों दें। अरे ये क्या हुआ? लगता है तूफान आया है, मैं दरवाजा बंद कर देती। नहीं तारा मुझे ही बाहर ले चलो, इतनी हवा में तुम्हारे बाहर जाना मुनासिब नहीं। प्लीज तारा मुझे बचपन से ही तूफान बहुत अच्छे लगते हैं, दो घड़ी के लिए मुझे कुदरत के करीब ले चलो प्लीज तारा। चलो जिद का क्या इलाज? कितना अच्छा लग रहा है तारा। हाँ? यहाँ नारियल के पेड़ बहुत है ना? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पत्तों की आवाज से अंदाजा लगाया। जानती हो तारा बचपन में जब भी आंधी आती थी तो मैं घर से बाहर निकल आसमान की तरफ देखकर बहुत खुश हुआ करता था। आज मैं देख तो सकता नहीं लेकिन महसूस जरूर कर सकता हूँ। दो एक मिनट के लिए मुझे यहीं बैठने दो ना। अच्छा तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं तुम्हारा कमरा ठीक करती हूँ। सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है। से इसे देख लूं मैं, दिल से मेरे तुम ये महसूस कर लो, तेरी नजर
तूफान ये मेरे दिल से उठा है, चाहो तो तुम अपने दामन में भर लो। चली गई थी? तुम्हारा खाना लाने को कहने गई थी। यहाँ आकर तुम हर वक्त काम में जुटी रहती हो। जब मैं विलायत में था तो सोचा करता था तुमसे मिलकर बहुत सारी बातें करूंगा। आओ मेरे पास बैठो। लो बैठ गई, अब करो बातें। अच्छा तारा, मैंने अपने पत्रों में जिस लड़की का जिक्र किया था उसके बारे में तो तुमने कुछ पूछा ही नहीं। जानती हो, बाहर से वो लड़की जितनी सुंदर थी भीतर से उतनी भयानक। एक दिन प्रिंसिपल साहब से मेरी झूठ मूठ शिकायत करके वो तुम फिर कहाँ चली गई तारा? कमरे में धूप आ रही है, मैं शटर बंद करती हूँ। थोड़ी सी धूप से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। आओ मेरे पास ही बैठी रहो। आओ ना तारा। तारा, जब भी तुम मुझे छूटती हो तो ना जाने कहा दूर गई एक रोशनी जगमगा उठती। जानती हो तारा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मेरी जन्म जन्म। साथी हो। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। न जाने मेरा दिल क्यों कह रहा है तुम्हें खून बैठूं कहीं रोशनी में। न जाने मेरा दिल ये क्यों कह रहा है ये तुम्हें खून बैठू कहीं रोशनी में।
तुमको देखा नहीं है मगर दिल तो मेरा तुम्हें जानता है। मेरी आँख ने तुमको देखा नहीं है मगर दिल तो मेरा तुम्हें जानता है, तुम्हें जानता है जो गम के सफर में मेरा हम सफर है। मैं क्यों साथ उसका न दूंगा खुशी में, ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। कुछ खेल आँखों ने मेरी बिगड़ते भी देखे हंसी ही हंसी में, न जाने मेरा दिल ये क्यों कह रहा है तुम्हें खोन बैठूं कहीं रोशनी में। अभी तो उम्मीदों की दुनिया गवा है, न छेड़ो ये मायूसियों के तराने। तुम्हें भी पसंद है के दिल में न रखना, खता हो गई हो अगर बेखुदी में ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। न जाने मेरा दिल ये क्यों कह रहा है तुम्हें खोन बैठूं कहीं रोशनी में। ये मेरे अंधेरे उजाले न होते अगर तुम न आते मेरी जिंदगी में। सवेरे डॉक्टर श्रीवास्तव आए थे, कह गए कल मेरी आंखों का ऑपरेशन करेंगे, मैं फिर से देखने लगूंगा। तारा सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम यही हो ना? चुप क्यों? मैं फिर से देखने लगूंगा ये बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं होती? क्यों नहीं, बहुत खुशी होती है, लेकिन एक अनजाना डर सा भी लगता है मुझे देखकर कहीं। एक बार पहले भी तुमने यही बात कही थी। सुनो तारा, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, हो सकता है तुम बहुत खूबसूरत नहीं, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें नफरत करने लगूंगा? ऐसी बात कभी मन में ना लाऊं। प्रदीप चलो थोड़ी देर के लिए मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, चलो ना। बोल तो सही, बात क्या है? दीदी, सुभाष ने मुझे बिट्रे किया, उसने अब तक मुझे धोखे में रखा। तेरा मतलब? मैंने कितनी बार उससे कहा कि डैडी आजकल यहाँ आए हुए हैं, वो उनसे मिल ले, पर वो हमेशा मुझे टालता रहा। इस बार मिलने का वादा करके भी जब 3 दिन तक नहीं आया तो हार कर मैं उसके घर चली गई। वहां पता चला कि वो 3 दिनों से कहीं गायब है, कोई जानता भी नहीं वो कहां गए। लीला क्या कहती है? मैं जब वहां गई तो बाजार गई हुई थी, सुबह से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। परेशान ना हो, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तो एक बार फिर वहां जा और लीला से मिलकर सही बात का पता लगा। आखिर इस तरह आंख मिचोली खेलने का मतलब क्या है? तारा, एक बात कहूं?
हालांकि मुझे अपने भाई के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट यू सी ही इज मोस्ट अनडिपेंडेबल पर्सन। तुम उनका आसरा छोड़ दो। ये बात तुमने पहले क्यों न कही? तुम लोगों को तो मालूम था कि मैं गांव की एक नासमझ लड़की हूँ। इस तरह मुझे धोखा देने का तुम लोगों को अधिकार ही क्या था? अब मैं फिर से अपना मुंह दिखाऊंगी। आओ तारा, अब तो मैं तुम्हारी आज ही से तुम्हें पहचान लेता हूँ। आज कौन से फूल लाई हो? महक तो बहुत अच्छी है, नाम नहीं याद आ रहा। इन्हें लिलीज कहते हैं। लिली बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। मैं देख तो नहीं सकता लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ। मैं तुम्हारी दवा लेके आती हूँ। नहीं, आज दवा का नाम मत लो, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, यही मेरे पास बैठो। जानती हो, आज सवेरे डॉक्टर श्रीवास्तव यहाँ आए थे, कह गए हैं कि परसों मेरी पट्टी खोल दी जाएगी। तारा, मैं चाहता हूँ कि मेरी पट्टी खुलते ही सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं। हाँ, मैंने अपने मन में तुम्हारी एक तस्वीर बना रखी है, आसमानी रंग के घाघरा चोली, सल में सितारे वाली ओढ़नी, चोटी में कचरा, माथे पर कुमकुम की बिंदिया, आंखों में हल्का सा काजल। आओगी इस रूप में? हाँ, तारा, तुम्हारा ख्याल है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी ना? मैं फिर से देख सकूंगा ना? जरूर, तुम्हारे रेटिना में तो कोई नुक्स नहीं, सिर्फ अपने नर्व सुन कर गई है। अरे, ये तुमने मेडिकल टर्म्स कहाँ से सीखी? डॉक्टर की जबानी सुनी थी। लेकिन फिर भी जो डॉक्टरी ना पढ़ा हो वो ऐसे लफ्ज आसानी से नहीं बोल सकता। बात ये है, मेरी एक बहन मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। कौन है वो? शायद मैं उसे जानता हूँ। शायद क्या, एक जमाना था तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। क्या नाम है उसका? कविता कपूर। ये किसका नाम दे दिया तुमने? तारा, अगर दुनिया में मुझे किसी चीज से सख्त नफरत है तो इस नाम से। ये नाम मेरे सामने फिर कभी ना लेना। तारा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस खूबसूरत नाम में कितना जहर, कितनी कठोरता, कितनी बेदिली है। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मन ही मन ने उसे अपना सहारा बना लिया, लेकिन उस सहारे की जगह दल दल बन गई। मेरी जिंदगी के अरमानों को बड़ी बेरहमी से उसने मसल डाला। लेकिन अब तुम्हें पाकर मेरी उछाई हुई आशाएं फिर से हरी भरी होकर छूम उठी। तारा, मुझे माफ करना, मैं गुस्से में आकर तुम्हारी बहन के बारे में बुरा भला कह बैठा। तुमने बुरा तो नहीं माना? तारा, तुम चुप क्यों हो? तारा, तारा, वो तो चली गई। चली गई? तारा, अरुण तो तुझे उधर बुला रहा। तारा, अब तो यहाँ चली आई? क्यों, क्या हुआ? अरुण तो अब अच्छे हो जाएंगे, मेरी यहाँ और जरूरत नहीं। ये तुझे क्या हो गया आज? सुनो, मैं अच्छी तरह जान गई हूँ ये मेरी दुनिया नहीं है। उनके खतों में तो मेरे लिए नफरत थी ही, आज वो नफरत उनकी जबान से लावे की तरह फूट भी पड़ी। मैंने अनजाने पर में एक पाप किया था, उसका प्रायश्चित उनकी सेवा से कर लिया। मैं जा रही हूँ, एक बार कोशिश जरूर करूंगी कि अरुण की पट्टी खुलने से पहले तारा को समझा बुझा कर यहाँ भेज दूं। सुन, सारा,
इस नाम से। ये नाम मेरे सामने फिर कभी ना लें। बड़ी खुशी की बात है कि अरुण की आंखें ठीक हो रही है। अच्छा हुआ कि मैंने तारा का रिश्ता नहीं तोड़ा, वरना इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता। देखिए शायद अब भी मौका हो। ये तो मेरी बेटी के भाग है, और शादी विवाह होते हैं जन्म जन्मांतर के लेखे, जिन्हें हम और आप नहीं बदल सकते। जब भगवान की यही इच्छा है कि तारा की शादी अरुण के साथ हो, तो उसे कौन रोक सकता है। क्यों तारा, सुभाष का कुछ पता चला? नहीं, लीला को भी कुछ नहीं मालूम। दीदी, जिस आदमी के बारे में उसकी बहन भी कुछ न जानती हो, तुम सोच सकती हो आदमी कैसा होगा। अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि वो मुझे कठपुतली समझ कर नचा रहा था, उसके लिए मैं खिलौना थी। दीदी तुम नहीं जानती मेरे दिल में नफरत की कितनी आग भड़क रही है। मुझे क्या मालूम था ये शहर वाले और उनकी सभ्यता ऐसी होती। मैं कल ही पिताजी के साथ गांव चली जाऊंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ मेरा दम घुटता है। रो नहीं तारा, तुम नहीं जानती मैं तुझे कितना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना हमदर्द नहीं समझती? क्यों नहीं दीदी, तो फिर मेरा कहा मानेगी? देख अरुण की आंखें अब ठीक होने वाली हैं, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया है। तुम कहना क्या चाहती हो दीदी? तारा, तो अरुण से शादी कर। दीदी? हाँ, अरुण को मैंने इतने दिनों बहुत पास से देखा है, ऐसा लड़का किसी खुशकिस्मत लड़की के नसीब में ही हो सकता है। लेकिन दीदी, जो चीज तुम्हारे नसीब की है उसे मैं कैसे छीन लूं? तू मेरी चिंता न कर, मैंने अरुण को खत लिखे तो तारा के नाम से, उसकी खिदमत की तो तारा ही के नाम से की। तुझे याद है एक बार अरुण ने अपनी चिट्ठी में एक लड़की का जिक्र किया था जिसने उसकी जिंदगी के सब ख्वाब मिट्टी में मिला दिए, जिससे उसे बेहद नफरत है। हाँ याद है दीदी, वो लड़की मैं ही हूँ। दीदी तू? हाँ मैं। खैर छोड़ इन बातों को, शमशान की राख में खून की तलाश से क्या फायदा। अरुण तारा को चाहता है, उसे इस नाम से बेहद प्यार है, और अब तेरे रास्ते में भी कोई अड़चन नहीं। अगर इस वक्त उसे अपनाने से इनकार कर देगी तो वो बेसहारा हो जाएगा। एक तरफ उसे आंखों की रोशनी मिलेगी और दूसरी तरफ उसका दिल पुछ जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई दीदी, तुम मेरी हमदर्द हो या अरुण की? इतना कह सकती हूँ, दुश्मन किसी की नहीं। पिताजी ने अगर मंजूर नहीं, मामा जी की मंशा मैं जानती हूँ, अभी अभी नीचे सुनकर आई हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं। कल अरुण की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, पट्टी खुलते ही सबसे पहले उसकी आंखें तारा को तलाश करेंगी। उस वक्त अगर मैं तुझे उसके सामने खड़ी कर सकूं, तो मैं समझूंगी मेरा फर्ज पूरा हो गया। लेकिन दीदी, ना मत कर तारा, मैं कल तुझे अपने हाथों से सजाकर उसके पास ले जाऊंगी। अब चल। अजीब मर्जी है तुम्हारी दीदी, आज अचानक मुझे घाघरा चली पहना दिया। सोच ले यही मेरी पसंद है, और फिर तुझ पे ये ड्रेस खिलती भी खूब है। लीला, लीला, मम्मी, मम्मी घर में नहीं है। भैया तुम भी कैसे हो, बिना किसी से कुछ कहे कोई खबर दिए अचानक ही कहीं चले गए, यहाँ तो गजब हो गया। अरे यहाँ जो गजब हुआ वो तो मैं बाद में सुनूंगा, पहले जो गजब मैंने किया है वो तो सुनो। सुनो, मैं इंग्लैंड में जिस कंपनी में काम सीखा उसी कंपनी ने जबलपुर में एक बहुत बड़ा कारखाना खोला है, और वहीं मुझे एक बड़ी ऊंची पोस्ट मिल गई।
तुम लोगों को इस खबर से हैरान कर दूंगा, इसलिए बिना बताए चला गया। जानती मेरी सैलरी क्या? $2,000। आप तारा के पिताजी से मुझे मिलने में कोई झिझक नहीं। आप तारा के पिताजी से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं रही, तारा की शादी हो रही है। मतलब? मतलब वही जो मैंने कहा, तारा की शादी डॉक्टर अरुण कुमार के साथ होने वाली है। इम्पॉसिबल, क्यों नहीं सकता? नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। अरुण की आंखों की पट्टी खुल जाने पर मैं सबको बुला लूंगा। प्लीज डोंट वरी। प्लीज सुमित्रा, सब पर्दे गिरा दिए हैं ना? ठीक, मैं डिनर के पास जाता हूँ, पट्टी खोलने लगा, मुझे आवाज देना, मैं ये लाइट कम कर दूंगा और जब कहोगी धीरे धीरे तेज कर दूंगा। केदार, मुझे बड़ा डर लग रहा, केदार मैं फिर से देख सकूंगा ना? हाँ, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा, तारा नहीं आई? आई तो है, मेरे पास ही खड़ी है। तारा, तुम चुप क्यों? तुम उस दिन भी अचानक उठकर चल दी, मुझसे नाराज हो क्या? नहीं नहीं, नाराज होती तो आती ही क्यों। तारा, तारा तुम कहाँ हो? मेरे ठीक सामने आके खड़ी हो जाओ, ताकि पट्टी खुलते ही सबसे पहले मैं तुम्हें ही देख सकूं। डिमर ऑफ। अब आंखें खोलो ऐसे ऐसे। डिमर स्लोली ऑन। सुमित्रा, मैं देख सकता हूँ। तारा, मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ, लेकिन तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ तारा, आओ ना। कौन कौन है तू? तारा? नहीं, तुम तारा नहीं, मैं तारा की आवाज, तारा का स्पर्श पहचानता हूँ, तुम नहीं हो तारा। ओह, बहुत अंधेरा छाने लगा। लाइट ऑफ। सुमित्रा, मैं अंधा हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। जरूर वो लूट कर चली गई, अब मेरी तारा कभी नहीं आएगी। ये है मेरी तारा। तारा, तुम चली क्यों गई थी? इस डर से कि देखकर तुम मुझसे नफरत न करने लग जाओ। मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा? ये कैसी नामुमकिन सी बात कह रही हो तुम। सुमित्रा, लाइट ऑन कर दो। तुम? हाँ, मैंने तुम्हें इतने दिन धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। तारा, कविता, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुमित्रा, मैं समझा देती हूँ, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। सुनो तो सही, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। कविता नाम से तुम्हें चिढ़, इसीलिए इसने तारा के नाम से तुम्हारी सेवा में दिन रात एक कर दी है। मुझे जितना मालूम था बता दिया, अब तुम आपस में फैसला कर लो। रहते मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मगर अंधे होकर मैंने अपने मन की आंखों से
तुम्हारे मन की सुंदरता को अच्छी तरह परख लिया। अच्छा ये बताओ, विलायत में मुझे इतने प्यारे प्यारे प्रेम पत्र कौन लिखा करता था? तारा। असली तारा या नकली तारा? नकली तारा। अरुण की आंखें ठीक हो गई हैं, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे आपसे पहले कह देना चाहिए था। मेरा मतलब है ये कविता और तारा, ये तारा और कविता, अरुण कविता और अरुण। बहुत मेहरबानी डैडी, अंकल, आंटी, सबको मैंने पूरी बात बता दी। ओ ब्रेवो, सलामी। देखिए गिरधर बाबू, जो हुआ वो ठीक ही हुआ, लेकिन अरुण तुम मुझसे किनारा नहीं कर पाओगे। मेरी बेटी से ना सही, मेरी बहन की बेटी से तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, और तुम्हें विलायत भेजने का खर्च वो मैं बैरिस्टर साहब से सूख समेत वसूल कर लूंगा, और अगर मैं न दूं तो मैं सीधे अदालत में नालिश कर दूंगा। स्टॉप। क्यों, अब क्या हुआ जी? कुछ नहीं, आवासी है। Thank you.